भाजपा की गढ़ में गर्जी, कांग्रेस की शेरनी, मोदी और शाह के छूटे पसीने। जी हां, आपको बताया चले कि कुटलैंड विधानसभा क्षेत्र के बनगांव में सोमवार को कांग्रेस द्वारा किसान बचाओ रैली आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने विशेष रूप से शिरकत करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार किया। रैली के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने चिर परिचित अंदाज में भाजपा को जमकर लपेटा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को भी मंच से एकजुट होने का पाठ पढ़ाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि किसी भी हाल में कुटलैंड का दुर्ग कांग्रेस की झोली में डालने के निर्देश स्थानीय नेताओं को दिए। करीब 3 दशक से भाजपा का गढ़ बन चुका है यह विधानसभा क्षेत्र सोमवार को एक नई तस्वीर पेश करता नजर आया, जब कांग्रेस की किसान रैली में जुटी भीड़ ने कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को गदगद कर डाला। रैली के आयोजक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव देशराज मोदी के नए चुनाव घोषणा पत्र के लिए किसानों से संबंधित सुझाव प्रदान किए। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस रैली को स्थानीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर के लिए चेतावनी बताया, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को जमकर कोसा। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।